अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ केपीज ब्लॉग। सबसे पहले तो आप सबको अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हम सब जानते हैं 2020 बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल था, कुछ लोगों के लिए बोरिंग था, इट हैज़ बीन वेरी डिप्रेसिंग फॉर सम, लेकिन फिर भी उस तमाम सूरत हाल में आई एम सो ग्रेटफुल टू K2 चैनल के उन्होंने एफर्ट्स की दैट दे वांटेड टू कम अप विद समथिंग मोर डिफरेंट, समथिंग मोर यूनिक फॉर यू ऑल इन द फॉर्म ऑफ KP's ब्लॉग। ये एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने प्रोवाइड की KP के जितने भी नौजवान हैं कि वो लोग आएँ, अपने एबिलिटीज़ और अपने स्किल्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो नाउ दैट वी आर मूविंग इन टू 2021, आई विश यू ऑल दिस ईयर, आई विश दिस ईयर टू बी वेरी वेरी ब्लेस्ड फॉर यू ऑल। आई विश दिस ईयर इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड फुल ऑफ जॉय एंड आई रियली होप एंड प्रे दैट दिस ईयर इज़ फुल ऑफ अमेजिंग अमेजिंग मेमरीज फॉर यू ऑल। इसके अलावा खातिन हज़रात, आई एम श्योर आप सबको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा, ये न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन का जो कि एक ट्रेडिशन चल रहा है फ्रॉम मेनी मेनी ईयर्स, एंड आई पर्सनली फाइंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो बनाया जाता है, आई थिंक इट गिव्स अस अ पाथवे, इट हेल्प्स अस फिगर आउट हाउ वी वॉन्ट टू प्लान आवर ईयर। तो अगर इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम लें, सो कुछ लोग जो हैं प्लान करते हैं कि अच्छा हमने इस कमिंग ईयर में या इस ईयर में क्या अकम्पलिश करना है, बी इट फ्रॉम योर करियर पर्सपेक्टिव, या आप अपनी पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, या इट कुड बी एज सिंपल एज यू वांटिंग टू स्पेंड सम टाइम विद योर फैमिली, और इट कुड बी यू प्लानिंग टू ट्रैवल टू अनदर सिटी और प्लानिंग टू एक्सप्लोर अनदर कंट्री, इट कुड बी एनीथिंग। सो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू पीपल इज कि आप लोग अपने न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन को बनाएं और हमारे साथ शेयर करें ऑन एनी ऑफ आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बी इट आर इंस्टाग्राम और फेसबुक, बिकॉज हम भी आप लोग को जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं कि आप लोग का न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन क्या है। तो इसके साथ साथ आज का जो एपिसोड है, मैं बताती चलूँ कि वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज के एपिसोड में वी हैव फोर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल वेरी वेरी टैलेंटेड लेडीज हु हैव जॉइंड अस हियर टुनाइट, जो कि क्राफ्ट्स वुमेन हैं, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू टॉक टू देम। सो विदाउट फर्दर अडू चलते हैं उनसे बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग। आई मीन मेरे लिए तो इट्स मोर लाइक अ मेगा शो, अ वेरी स्पेशल शो के पहली बार KP's ब्लॉग में ना सिर्फ दो, ना ही एक, बल्कि चार गेस्ट्स आए हुए हैं। सो इट्स समथिंग ह्यूज फॉर मी। तो ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं हादिया, हमारे साथ हैं नूर, हमारे साथ हैं ईमान एंड ज़ैनब। शुक्र है मुझे नाम याद है पहली बार, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग देम कि मैं आई एम सो बैड विद द नेम्स, लेकिन इन सब के बारे में ये कॉमन है कि लोग देर सो क्रिएटिव, दे आर डूइंग सो वेल। आप सब जानते होंगे कि अगर यू नो फिर रिवाइंड बैक इन टू द ईयर ऑफ 2020, एक ऐसा साल जिसमें बहुत सारे बिजनेसेस ने दे फेस्ड लॉस, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ इशूज, पीपल यू नो उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही थी, काफ़ी लोग जॉब से निकाले गए, बिकॉज द इकॉनमी वॉज गोइंग टूवर्ड्स डाउनफॉल बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक ऑफकोर्स। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा पीक पे काम कर रहे थे, जिनका काम बहुत बेहतर होता गया, वो ये लोग थे, पीपल हु वर वर्किंग ऑनलाइन, जो कि सोशल मीडिया के इस पावर को इस्तेमाल करके कुछ कर रहे थे, कुछ क्रिएटिव बना रहे थे, अपने पैशन को फॉलो कर रहे थे अपने पढ़ाई के अलावा। तो हम इनको जानते हैं। सबसे पहले हादिया, आपसे स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। माई नेम इज़ हादिया अहमद, डॉक्टर हादिया अहमद, एंड आई एम अ फार्मासिस्ट बेसिकली, एंड आई हैव बीन ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर and I have done my PharmD from University of Peshawar, Department of Pharmacy. It's so like nice to here to represent my department that I have graduated from there. I mean, ये भी एक achievement है कि pharmacy मैं तो हमेशा I believe कि no matter what field you're studying in, it's difficult and it's complicated and it's challenging in its own way. It has been so much challenging. Exactly. It has been so much challenging. Pharmacy के साथ आपने ये भी किया, तो shock कैसे आया? Yes. शौक ऐसे आया कि लाइक राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैड दैट टैलेंट, इनबॉर्न टैलेंट, एंड मच ऑफ इट हैज़ बीन इम्पॉर्टेड टू मी थ्रू माय मदर, एंड लाइक इन लाइक राइट इन द चाइल्डहुड शी यूज्ड टू मेक कार्ड्स विद अस एंड डू यूज़ टू गाइड अस क्राफ्टिंग करना और ये छोटी चीजें बनाना। लाइक मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने जो है तो कभी ईद कार्ड्स खरीदे हों, आई ऑलवेज यूज़ टू मेक देम एंड फॉर माई स्पेशली माई टीचर्स, एंड आई यूज़ टू ग्रीट ईद एंड थिंग्स लाइक दैट। लेटर ऑन फिर ये हुआ कि यूनिवर्सिटी, आई एम थैंकफुल टू माई डिपार्टमेंट, दे गेव मी अ प्लेटफॉर्म लाइक
हमारी पार्टीज जो अरेंज होती थी तो उनमें ऑर्गेनाइजिंग डेकोर ऑर्गेनाइजिंग की कंप्लीट टीम होती थी. सो आहिस्ता आहिस्ता करते करते लाइक वॉलंटियरली आपने काम स्टार्ट किया एंड देन यू नोटिस्ड कि आप में वो हुनर है. वॉलंटियरली ये था कि डेकोर इंटीरियर डिजाइनिंग इज समथिंग आई एम ट्रूली फॉन्ड ऑफ. We'll come to that. We'll definitely come to that, Hadia. क्योंकि हर एक जो हमारे पास यहाँ है जो talented these gorgeous ladies that they're here, they're going through their own individual journey. So there's a lot that I can talk to about you know you guys and your journey. तो ईमान आपकी तरफ हम आते हैं. तो यहाँ हमारे पास बहुत सारी creative चीज़ें हैं. But honestly, what fascinated me the most was the nail art that she's doing. ये बहुत ही खूबसूरत nail art करती हैं. उसके बारे में बताएँ, अपने बारे में बताएँ, थोड़ा background दें. थैंक यू सो मच आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया. दिस इज़ ईमान फातिमा. मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हूँ इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी से. और मैं नेल आर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था बचपन से ही. नेल पेंट्स के साथ खेलना ये एक हॉबी थी. और बहुत मतलब ऐसे हो चुका था कि कॉपी के नीचे मैं नेल पेंट्स रखती थी और मेरी अम्मी को जब पता लगता था वो उठा लेती थी. मैं इतनी क्रेजी थी अपने नेल पेंट्स के लिए. और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये शौक डेवलप होना शुरू हुआ. मेरी एक टीचर थी, ट्यूटर थी बेसिकली, वो नेल आर्ट करती थी. जब मैंने उनका देखा तो मुझ में भी एक स्पार्क आया कि मैं ये कर सकती हूँ. फिर मैंने नेल आर्ट स्टार्ट किया और वो आज एक लेवल पे है. मैं एक प्रोफेशनल काम कर रही हूँ. ये मेरा एक पैशन है, नेल आर्टिस्ट. और मैं नेल्स बनाती हूँ, कस्टमाइज नेल्स. और मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. मेरी फ्रेंड्स मुझे कहती थी कि तुम्हारे पास एक आर्ट है तो तुम लोगों को क्यों नहीं दिखाती. मैंने इंस्टाग्राम आईडी बनाई जो कि उन्होंने, इंस्टाग्राम ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जिसकी वजह से मैंने ग्रो किया. लोग आए, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, लोगों ने सपोर्ट किया. और टाइम गुजरने के साथ साथ मेरा वो आर्ट भी इन्हेंस होता गया. एक लर्निंग फेज होता है. और मैं ये भी कहती हूँ क्योंकि हाँ, और हमारे अंदर बाय बर्थ वी हैव टैलेंट्स एंड स्किल्स. हमें उसको एक्सप्लोर करना और हमें उस पर काम करना वो हम पे है कि हम उस पर किस तरह, हम पे डिपेंड करता है कि हम वो एफर्ट्स किस तरह करते हैं कि हमने उसको एक प्रॉपर या तो प्रोफेशन की तरफ लेकर जाना है, हॉबी रखनी है, जो भी, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना, उसको और खूबसूरत बनाना, उसको दैट इज़ द लाइक योर जर्नी इज़ कम्प्लीट और योर टैलेंट इज़ कम्प्लीट जब आप जो है वो दूसरों को इम्पार्ट करते हैं, सिखाते हैं. वेरी ट्रू. दूसरों को उसको ऑब्वियस बनाते हैं. तो दैट इज़ द थिंग दैट व्हेन इट बिकम्स मोर ब्यूटीफुल. वेरी वेल सेड हादिया. ये सब कुछ इतना इजी नहीं है जितना लगता है. इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. इसकी तरफ भी हम लोग आएंगे क्योंकि इट्स अ होल टॉपिक ऑन इट्स ओन कि जितनी मेहनत इस पर लगती है और फिर जितना उसको जो है क्या कहते हैं वो जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लिटरली फॉरगॉट कि हम लोग उसको बहुत ज़्यादा हाँ एक हार्डवर्क को हम लोग वो वैल्यू नहीं देते. यू नो एग्जैक्टली. सो नॉट गिविंग इनफ वैल्यू टू आवर वर्क. कमिंग टुवर्ड्स नूर, नूर बताएं आप क्या काम करिए, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर यू क्रिएटिंग. पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ इनवाइट किया. इट्स माय प्लेजर. दिस इज़ मी नूरसबा एंड आई एम डूइंग बीबीए फ्रॉम सीकॉस यूनिवर्सिटी. फिफ्थ सेमेस्टर है मेरा. और उसके साथ साथ मैं अपना ये क्राफ्ट का काम भी करती हूँ, नेम्ड एज द हाउस ऑफ आर्ट पेशावर. और दैट्स ग्रेट. तो नूर आप मोस्टली किस किस्म के आर्ट, मतलब आर्ट कर रही हैं, क्या बना रही हैं? मोस्टली मेरा जो होता है, मतलब मेरा मिक्स है. ये नहीं है कि मैं एक चीज़ के साथ स्टिक ऑन हूँ. एक्सप्लोजन बॉक्सेस भी हो सकते हैं, बिट बॉक्सेस हैं, मिठाई बॉक्सेस कह लें, जिस तरह रिंग प्लेट्स हो गई, वेडिंग प्लेट्स भी उन्हें कहते हैं, निकाह पेंस हैं. तो निकाह दुपट्टा अभी मैंने लॉन्च किया है. हाँ, कस्टमाइज्ड है वो, जिस तरह आप कहते हैं कि फलाने की दुल्हन. तो ये भी एक बहुत आजकल ट्रेंडी. दैट इज़ वंडरफुल, दैट इज़ वंडरफुल. ज़ैनब, अब आपकी तरफ हम आते हैं. आप अपने, यू नो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में बताइएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपने मुझे इतना बुलाया. मेरा नाम ज़ैनब खटक है. मैं एक बिज़नेस रन करती हूँ ऑनलाइन बाय द नेम ऑफ जेड के आर्टिस्ट्री. एजुकेशन मेरी है कि मैंने बैचलर्स किया है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में. इट्स कम्प्लीटेड. मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ. लेकिन मैंने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में थी, मतलब मैं पढ़ रही थी. तो आई वाज हैंडलिंग टू डिफरेंट स्टफ. मैं स्टडी भी कर रही थी और साथ साथ मैं एक बिज़नेस पे हैंडल कर रही थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो एक साल हो चुका है एंड अभी जो मैं हूँ दैट्स आफ्टर माय विद माय स्टडीज़ एंड एवरीथिंग.
दैट इज़ ग्रेट. एंड ये जो आप लोग को नज़र आ रहे हैं इनके पीछे जो पड़े हुए हैं, हमारे पास गिफ्ट बास्केट्स भी हैं, हमारे पास ये बॉटल्स भी हैं, मैं दिखाऊंगी भी. लेकिन ये जो एक कॉन्सेप्ट आया हुआ एक्सप्लोजन बॉक्सेस का, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप लोग जो बनाते हैं. एक्सप्लोजन बॉक्सेस लाइक ये होता है कि छोटे छोटे कोट्स होते हैं, बहुत क्यूट क्यूट, लाइक दैट्स काइंड ऑफ के बाहर से आपको बॉक्स नज़र आता है, लेकिन जब व्हेन यू ओपन इट तो वो एक्सप्लोजन बॉक्स इस तरह से होता है कि दैट्स आई वुड से कि दैट्स एक्सप्लोजन ऑफ फीलिंग्स फॉर एनीवन, फॉर यू, फॉर देयर स्पेशल वन. तो जब आप ओपन करते हो उसमें डिफरेंट चॉकलेट्स होती हैं, उसमें डिफरेंट कोट्स होते हैं उसमें, तो एक सरप्राइजिंगली जो है तो बंदा जो है ना बड़ा वो के ओ माय गॉड, लाइक लाइक आई वुड से इट्स अ ब्लास्ट ऑफ लाइक ब्यूटीफुल फीलिंग्स. यू ओपन इट, दूसरे बंदे को जब आप देते हो उसको बहुत प्यारी फीलिंग आती है कि जो है तो आप मतलब कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, कितनी वैल्यू रखते हैं कि उन्होंने इतनी क्रिएटिविटी से इतनी डिटेलिंग करके एक एक चीज़ एड अप की है और उसको इतना प्यारा बनाया है, एकदम से आपकी ऑल ऑफ द फीलिंग्स एंड ऑल ऑफ द लव ब्लूम आउट ऑफ इट. I would say and it requires, requires a lot yes. of hard work. मुझे जो है एक साल पहले एक friend ने दिया था, that was the first time मुझे पता चला था कि अच्छा this is something क्योंकि आजकल बहुत trend पे है. It's a perfect gift because it's like इतना cute सा box होता है, you open it, when you open it इसमें आपकी pictures हैं, there chocolates, there's everything, there coats. There can be like a special gift. It's something you can preserve, something you can keep with yourself. तो आप अपने साथ forever रख सकते हो and you'll forever remember it. तो that is I believe something totally customized. तो जो customer को चाहिए होता है वो हम उसमें manage करके ले आते हैं. So that's the reason लोग prefer BCA करते हैं, क्योंकि वो product ऐसा होता है कि उनके जो चाहिए होता है वो उसको एक ही box में मिल जाता है. So that's the reason कि they prefer it a lot. Exactly. All they want to show up and how they want to show up their love to the other ones. Like it's so obvious in that thing. Special लगता है. मैं nail art के ऊपर काम करती हूँ, जब मैं इनकी IDs देखती हूँ तो मैं कहती हूँ यार ये कितने प्यारे हैं, कितना colorful, it's so bright, colorful और flowers, chocolates और वो full of love होता है. उसमें कोई जगह ऐसी नहीं होती कि I would say that's a complete package of love you give someone to very special. बिल्कुल. तो नूर आप ये कह रही थी कि आप customized काम भी करती हैं, मतलब आपको कोई भी कुछ भी पिक्चर कुछ भी भेज दे आप उसको बना, आप सब ये कर लेते हो, मतलब बेट एनीथिंग. लेकिन अगर कोई नई चीज़ है तो वो शुरू में चैलेंजिंग नहीं होगी कि अगर वो आपने कभी पहले नहीं बनाई भी? ये होता है कि वी मोस्टली लुक इनटू द लाइक देन वी हैव टू सर्च फॉर द ट्यूटोरियल्स एंड थिंग्स, कि आपको फिर देखना पड़ता है कि आपके हाथ से एक परफेक्ट चीज़ बने. द थिंग इज़ कि हमारा हाथ वो हुआ हुआ है, क्या कहते हैं, वर्किंग कंडीशन में आया हुआ है. तो ये होता है कि when we look up to the tutorials and we guidance, alhamdulillah we are so trained ki hum usko badi aasani se bana lete hain. Once we get through the for like you can say ki aap thoroughly aap usko ek bar dekh lo to we can like ki acha ye isne is tarah se jo hai to exactly bilkul apni creativity to beech mein kabhi hum easy way dhoond lete hain, koi cheez available nahi hoti to usko khud hum bana lete hain. Ab jaise matlab like crafting ka jo matlab raw material hai उसके लिए हमें पहले उसका नहीं पता था, तो वो चीज़ें अब उनको एक्सप्लोर करना, फिर एक प्लेटफॉर्म के थ्रू थैंक्स टू कायनात शी हैज़ क्रिएटेड क्रिएटिव प्रिज्म वेयर ऑल ऑफ द क्राफ्टर्स ऑफ वी से पाकिस्तान एग्जैक्टली हैव अ लाइक यूनिक I'd actually and they like can interact to share with each other. Kainat to fail ka main zarur share karna chahungi because she's another very talented lady who was supposed to join us, lekin unki tabiyat theek nahi thi to she couldn't, but she sent in a few stuff and I'd love to show these. For instance, ये उन्होंने एक बहुत ही प्यारा बॉक्स जो है डेकोरेट करके भिजवाया उन्होंने, तो दिस इज़ द काइंड ऑफ वर्क दैट शी डज, और इसी तरह का काम ये लोग भी काफ़ी हद तक करते हैं. आई लाइक टू शो मोर. अब ईमान, अगर हम आपकी तरफ आते हैं तो नेल आर्ट का सबसे बड़ा मेरे लिए शॉकिंग यही था कि अच्छा ईमान इज़ डूइंग नेल आर्ट, क्योंकि पेशावर में आई डोंट नो अ लॉट ऑफ पीपल, आई थिंक शी इज़ द ओनली वन हु आई नो जो कि प्रॉपर नेल आर्ट कर रही है, क्रिएटिव डिज़ाइन बना रही है. तो इनके अगर हम आर्ट देखें भी तो इट्स सो क्रिएटिव, इट्स वेरी डिफरेंट द कलर्स दैट दे यूज्ड. तो मतलब ईमान, आपको क्या लगता है, कॉम्पिटिशन है और लड़कियाँ पेशावर में काम कर रही हैं या नहीं मोस्टली?
नहीं, पॉपअप नेल्स पे कोई काम नहीं करा, प्रेस ऑन पे पेशावर से कोई काम नहीं करा. आई एम द ओनली वन, और आई थिंक आई एम द यंगेस्ट वन. एग्जैक्टली, शी इज़ द यंगेस्ट नेल आर्टिस्ट फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा, विच इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल. We have some of these. बहुत सारी है, there are a lot. तो आप किस तरह, मतलब what do you do with these? As in, आपको orders आते हैं, आप फिर delivery कराती हो, और इनकी price range, if you could talk about that, please. मैं अपने designs भी create करती हूँ, और मैं customize काम भी करती हूँ. Orders जो customer की demand होती है, उसके theme पे भी बनाती हूँ. तो picture वगैरह भेज देते हैं कि अच्छा इस तरह करके बना लो, और फिर if you make something similar, I'd like to show a few more because they're so pretty. मतलब अगर आपके साथ कोई वो लोग पिक्चर दिखाते हैं या गूगल से ले लेते हैं या फिर कोई और इंस्टाग्राम आईडी से, तो कहते हैं हमें इस टाइप के बना दे, तो मैं बना देती हूँ. और फिर इनकी पैकेजिंग पे भी काम करना पड़ता है. एग्जैक्टली. और ये मटेरियल कहाँ से आता है? फॉर इंस्टेंस, ये आपने इस रेड वाले पे, इफ़ यू कैन सी दिस, इस पे इसने पर्ल्स टाइप कुछ क्रिस्टल्स, बिल्कुल क्रिस्टल्स लगाए हुए हैं, और ये जो चीता प्रिंट किया हुआ है इस पे आपने. तो हाउ डू यू डू दैट? आई वुड से दैट इस चीता प्रिंट के पीछे भी एक पूरा थीम है. अगर मैं ये डिस्क्राइब करूँ तो ये मैंने बनाए हैं हुनैना रसूल के लिए. ही शी इज़ अ ब्लॉगर, तो वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है, वो बहुत क्यूट सी है, और हर आई जाए ग्रे एंड ग्रीन. तो मैंने उनकी पर्सनालिटी को देख के नेल्स बनाए हैं, और मैं हर एक नेल के पीछे एक So there's a story behind every work that she's doing. That's wonderful to know, Iman. वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं और फिर आपको और भी आर्टवर्क दिखाते हैं. वेलकम बैक एवरीवन. तो जैसा कि हादिया जो हमें बता रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि पेशावर में इस तरह क्राफ्ट्स वुमेन का एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, क्रिएटिव प्रिज्म, जिसमें इस तरह की जितनी भी टैलेंटेड लेडीज़ हैं, दे कम टुगेदर, दे शेयर देयर आइडियाज़, वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं टू ग्रो, व्हिच आई थिंक इज़ ब्यूटीफुल बिकॉज वी आर इन नीड ऑफ सच प्लेटफॉर्म्स. तो उसके बारे में अगर आप लोग कुछ बताना चाहें, ईमान आप. मैं बताना चाहूँगी क्योंकि क्रिएटिव प्रिज्म कायनात तो फैल कर रही है ना, मतलब वो डील कर रही हैं. तो कायनात, मैंने 1 ईयर अगो स्टार्ट किया, मुझे कोई आइडिया नहीं था बिज़नेस के बारे में, और फिर ऑनलाइन बिज़नेस, क्योंकि फैमिली में से भी किसी ने नहीं किया था. मैंने कायनात को मैसेज किया, मैं कह रही थी अब ये मुझे रिप्लाई देंगी या नहीं. जब उन्होंने रिप्लाई दिया, वो इतनी स्वीटली मुझे गाइड करना स्टार्ट हो गई, कॉल्स मैसेजेस. वो मतलब एक बंदा होता है जो हिचकिचा जाता है कि दूसरे को मैं इतना नॉलेज क्यों दूँ. Exactly. अगर मैं आज इस लेवल पे हूँ तो इसमें कायनात का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कायनात ने मुझे A to Z सब कुछ समझाया, हमारे सेशंस लिए, तो मतलब एक डिलीवरीज के बारे में बताया कि ये बहुत मैटर करता है, बिकॉज हमें ज़रूरत होती है सपोर्ट की, हमें हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर. She was the first one to experience these things. Although we have been batchmates, right, in the pharmacy department, she is also the star, bright star of the pharmacy department, and me also. We have been working together, right, in the all jitni bhi hamari organizing team hoti thi. To hum we used bahut ek morning section se lete the, ek evening section se. तो कायनात ने काफ़ी उसमें अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से ही ग्रो किया. एंड फिर आई वॉन्ट लाइक वो के शी इज़ वन ऑफ द इंस्पिरेशन ऑफ माइन. इन बॉन्ड तो था, लेकिन जब उसको ऑनलाइन लेकर आना हुआ या उसको प्लेटफॉर्म पे, तो शी गेव मी अ लिटिल कॉन्फिडेंस, आई एम ओवर हियर एंड वी ऑल आर ओवर हियर. सो उसने काफ़ी हमें इस उसमें सपोर्ट किया सिस्टमैटिकली जो है तो ग्रो करने में. एग्जैक्टली, दैट्स हाउ शी प्लेड हर पार्ट. दैट आई थिंक इज़ ब्यूटीफुल. और आई थिंक इस तरह के जब हम सर्कमस्टांसिस में होते हैं, सो वी आर लकी कि इस तरह हमें कोई मिल जाए जो हमें गाइड करे. और दूसरा, उसने ऑल ओवर, मतलब वो जो है ऐसा होता है कि
मतलब हमें डर नहीं है कि यार अगर हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो हमें पता है कि हमारे बैक पर एक लड़की है कायनात जो हमें मतलब सपोर्ट कर रही है, मतलब चाहे वो रात का वक्त है या मतलब सुबह का वक्त है, उसने जवाब देना है हमें. अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक लड़की वो मतलब जेलेसी भी फैक्टर है ना, एक होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि यार हम कहें कि नूर ये बॉटल्स जो पीछे पड़ी हैं इसकी तरफ आते हैं क्योंकि मेरा यू नो दे वेरी आई कैची एंड आई वांट टू शो देम. ये बहुत ही समथिंग वेरी डिफरेंट जो मैं देख रही हूँ ये, अगर आप प्लीज़ इसके बारे में बताएं, टेल अस किस तरह बनाया है ये. ये जो है ना, मतलब ये सिंपल एक बॉटल है जो मैंने मतलब बाहर से ख़रीदी है और 50 रुपीज़ की बॉटल है, लेकिन इसको डेकोर करके अब मुझे नहीं लग रहा कि ये 50 रुपीज़ की है क्योंकि मतलब लुक ही बदल जाती है, लुक ही बदल गया इसका. और इसमें मैंने ये जूट की जो तार है ना ये यूज़ की हुई है और इसको इस तरह मैंने डेकोर किया है. बस ये एक क्रिएटिविटी होती है ना आपके माइंड की कि मतलब चीज को देख के आपने करना है कि यार इसको क्या बना. और इसमें एक रीसाइक्लिंग का भी एस्पेक्ट आ जाता है कि आप जो मतलब किस तरह चीज़ों को रीसाइकल करके. और आर्टिस्ट की सबसे खूबसूरत बात ये होती है क्योंकि आई लव हाउ दे प्ले विद डिफरेंट रिसोर्सेज. एनीथिंग दैट्स इन योर हैंड्स, आपके पास घर में थोड़ा बहुत कुछ भी अवेलेबल हो, आप उसको किस तरह यूटिलाइज करके उसको you know you just change you mm-hmm. change it completely, you transform it into something beautiful and something very useful. So I think this is really pretty. ye main rakh ke aur bhi cheezon ki taraf aate hain, isko dekh lete hain. ye I guess Hadia, what are these? Are these wall hanging ki hamare paas, could you please wall hanging and I have created them on the wooden blocks. mere father kuch raw lekar aaye the, renovation ghar mein ho rahi thi to we had a wooden box kind of thing. सो मैंने इनको पेंट किया एंड आई लव कोट्स एंड वॉल हैंगिंग्स, दीज आर ब्यूटीफुल. तो इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है? इट्स लाइक यू कांट कंट्रोल द विंड बट यू कैन एडजस्ट योर सेल्स, दैट इज द थिंग एंड दैट्स व्हाट आई फॉलो इन माय लाइफ. दैट्स ग्रेट, दैट्स दैट दीज आर रियली नाइस, दीज आर सो क्रिएटिव. थैंक यू. एंड दिस वन इज द स्मूथ सी, नेवर मेड अ स्किल्ड मरमेड. सो दीज आर द थिंग्स. इज दिस अ नोटपैड? Yes, this हमारे पास ये नोट पैड भी है अंदर लिखने का, बट यस दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक जर्नल. आप एनीवन हु वांट इट्स सच अ यू नो दिस टेबल इज फुल ऑफ अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी. तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या क्या दिखाऊं, सब कुछ इतना प्यारा है. इफ यू लुक एट दीज, ये जो ब्रेसलेट्स से ने बनाए हुए हैं, कड़े बनाए हुए हैं. अभी मैंने अपनी जो है तो ज्वेलरी की वो स्टार्ट नहीं की, ज्वेलरी के एसेसरीज का जो मैंने अपना लॉन्च नहीं किया. दिस इज समथिंग वेरी न्यू दैट शी इज डूइंग, मतलब आई विल डू इट इंशाल्लाह. एग्जैक्टली, सॉरी मैं रख लेती हूं. और हादिया, आप ये बताओ कि फॉर इंस्टेंस आप ये जो वॉल हैंगिंग के बनाती हो, इसमें कितना टाइम लगता है? यू हैव टू सर्च फॉर द स्टफ, लाइक इफ द कस्टमर वॉन्ट के आप मतलब उनकी मर्जी का कोट, फिर वो कलर करना, फिर जो है तो मीडियम को देखना, आपके कलर को देखना, तो एटलीस्ट इट टेक्स हाफ ऑफ माई डे एटलीस्ट. मतलब द लीस्ट आई कैन लाइक मैं एक दिन पहले और बहुत एफर्ट लगता है, बहुत टाइम, बहुत एफर्ट लगता है. दीज आर सम मोर, ये क्या है? वॉल हैंगिंग. तो नूर भी इतनी क्यूट चीज़ें बनाती है वॉल हैंगिंग की. हमारे पास ये है नूर, अगर आप ये, और देन वी हैव दीज हैप्पी बर्थडे कार्ड्स विच आर सुपर क्यूट. इस पर साफ पता चलता है कि कितनी मेहनत लगी हुई है, कितना एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ टाइम. सो आई थिंक दीज आर द थिंग्स वी नीड टू अप्रिशिएट. हमें यही टैलेंट को अगर हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगी लड़कियाँ. तो जैनब की भी हम उसकी तरफ भी आते हैं. जैनब जो है बहुत प्यारा बास्केट लाई है. ज़ैनब, आई वांट यू कि आप खुद जो है दिखाएं, आप खुद बताएं कि इस पर आपने क्या काम किया हुआ है. प्लीज डिस्क्राइब इट. मैं मेरे बिजनेस में, क्योंकि मैं सर्विस एंड प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करती हूँ, तो अभी तो मैं सर्विसेज पे आई नहीं हूँ, बट प्रोडक्ट्स पे आई एम मोर वर्किंग ऑन माय प्रोडक्ट्स राइट नाउ. दिस इज़ अ बास्केट जो कि मैंने रिसेंटली बनाया था और इसके अंदर कुछ फेवर बॉक्सेस हैं. तो दिस फेवर बॉक्सेस आर नॉर्मली यूज्ड, ये वाले तो फॉर माय कस्टमर शहजादी एंड वलीद, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं, इवेंट्स डिपेंड करते हैं. अब ये निकाह सेरेमनीज के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, फॉर बेबी बॉर्न. तो बहुत सारे चाहिए होते हैं ना, फॉर इंस्टेंस जितने
गेस्ट होते हैं सबके लिए, तो ये मेरा एक ऑर्डर जो है इट वर्क्स अराउंड, मतलब कम से कम मुझे 150 टू 200 बॉक्सेस रेडी करने होते हैं, एंड आई हैव ऑलमोस्ट लाइक 2 टू 3 वीक्स टू डू इट, क्योंकि एक दो कल भी तो दिन रात फिर एग्जैक्टली, मतलब मेरा ये है कि आई हैव टू हैंडल माय स्टडीज, ये लोग कभी कभार मुझे कहते हैं यू आर सो अनएक्टिव ऑन लाइक मोस्ट ऑफ योर सोशल मीडिया एप्स, जो तो मैं उनको कहती हूँ कि मेरे कभी कभार आई हैव टू हैंडल माय स्टडीज एंड माय बिजनेस एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ, तो वो कभी कभी कभार इससे बंदा टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाता है, इट्स ऑलवेज हार्ड, इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल. It's been just one year कि मैंने start किया, तो I can see कि मतलब with time when you do your work and it's consistent तो change मतलब बहुत changes आप खुद आप में जिस तरह आपके skills develop होते हैं, चाहे वो time management के हैं, चाहे वो consistency है, चाहे वो जो भी है, तो वो साफ नज़र आता है आपके काम से, नज़र आता है कि कितना प्यारे. मैं वापस रख लेती हूँ, आपने पकड़ा हुआ है. It's really pretty and honestly मैं बहुत ज़्यादा admire करती हूँ इस तरह का काम. I wish मुझ में भी इतनी creativity होती, और मैंने यही कह रही थी कि मेरी अम्मी तो मुझे यही कह रही होती, रिदा कुछ तो सीख लो, कुछ इस तरह का बनाया करो. But then again, not everyone has it in them. I feel like it's a beautiful talent. It's something absolutely incredible जो कि हमें आता होगा. तो social media ने किस तरह help किया? Let's imagine कि social media नहीं होता, अगर आप लोग के पास ये platform ना होता Instagram का या Facebook का या Snapchat वगैरह, तो फिर social media exist ना करता तो I think मेरा business भी exist ना करता. It's that platform जहाँ से मेरा business चल रहा है. I'm working from Instagram, especially Facebook पे भी कभी कभार मैं कर लेती हूँ, but those are the two apps जो कि मैं normally yes. use करती हूँ, and अगर वो ना हो तो where will I go, like where will my business go? हमें COVID में, मतलब COVID में हम देखते हैं कितने लोग जो है तो उनके बुरे हालात हो गए हैं, वो जो challenges उनको, मतलब एक normal earning में उनको face करने पड़ रहे हैं, but that was the time I started and the results are awesome. Like Instagram gave me a good platform. Social media ko jab aap positively use karte ho, to that has given me some exactly. During COVID, jab lockdown hua, shops band hui, to online shopping ne bahut help ki sab ki. Exactly. Even us time orders hamare paas bhi zyada aaye. Matlab unki amount thi zyada thi. Not just COVID. Matlab mujhe lagta hai ki even COVID ke bagair bhi ye business aise businesses hain jo ki aapko ghar baithe hi mil jate hain. Exactly. You don't have to go outside. Matlab ghar baithe even you have to just pay 200. Wo aise bhi aapko petrol ke liye pay to karna hoga. It's better you pay delivery charge. लेकिन हम 2020 को हाईलाइट इसलिए करते हैं क्योंकि कोविड का ऐसा सिचुएशन था जो हम लॉकडाउन में थे, हम बाहर नहीं जा सकते थे. फॉर इंस्टेंस आपने किसी को बर्थडे गिफ्ट देना है, आप बाहर जाके खरीद के डिलीवर नहीं कर सकते, तो क्यों ना बस ऑनलाइन ऑर्डर करो और उसके घर तक पहुँच गया, तो उस तरह वो आसानी. बट देन जैसे कि आप लोग स्टूडेंट्स भी हो, बीच में कुछ ग्रेजुएट हुए रिसेंटली, तो फैमिली का सपोर्ट किस तरह का था? क्योंकि वो होता है ना कि हमेशा मतलब माँ बाप पहले प्रायोरिटी तो ये कहते हैं प्रायोरिटाइज करो पढ़ाई को, दैट शुड बी फर्स्ट एंड देन व्हाटएवर यू वांट टू डू, बी इट यू नो आपने कुछ क्रिएट करना है इस तरह करके, आपने क्राफ्टिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको मैनेज करने का या सपोर्ट? पहले नहीं छोड़ती थी अम्मी, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट करती थी बहुत ज़्यादा. जब मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ और सेकेंड ईयर के बीच, मतलब यूनिवर्सिटी और सेकेंड ईयर के बीच में जो टाइम होता है, फिर अम्मी ने मुझे कहा आप जो करना है करो, और वो गई मेरे लिए खूब ज़्यादा नेल पॉलिशेस लेकर आई. मैंने इस माइंडसेट से ये पेज नहीं ओपन किया था, मैंने कहा मैं ऐसी लोगों को दिखाऊंगी अपना काम. और फिर एक दिन एक बंदी आई, मुझे कहती है आप सिर्फ सेल आउट करती हैं या फिर आप काम करती हैं सिर्फ सेल आउट करती हैं? मैंने कहा अब दिल में कोई कह रही हूँ मैंने तो कोई सेल आउट नहीं करना था, ये क्या ये चीज़ ट्राई कर लेती हूँ. फिर मैंने अम्मी से बात की, अम्मी कहे तो बहुत अच्छी बात है. अम्मी ने भाई से बात की, भाई बाबा बहुत खुश हुए सब, और मुझे मेरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एक्सट्रीम. यही मैटर करता है, मेरे मैं सोई होती हूँ, मेरे भाई ने मेरे सारे पार्सल्स डिस्पैच कर लिए होते हैं और स्लिप्स ला के मेरे साइड टेबल पर रख देते हैं. मेरे फादर मेरे पैकेजिंग के साथ सामान ले आते हैं. और मेरी अम्मी मेरे साथ जाती है शॉप्स, मतलब अम्मी के बगैर ये होना ही नहीं था, क्योंकि ये नेल आर्ट का एक एक चीज़ ढूंढ के लाना पड़ता है कोनों खुदरों से. मतलब लोगों को लगता है कि बहुत आसान है,
जब हमें कहते हैं तो कहते हैं कि आपने इतने ज़्यादा प्राइसेस क्यों लगाए हैं, दे डोंट नो द हार्ड वर्क जो पीछे हम करते हैं इसके। और ये तो हमारे ख्याल में सोसाइटी में ये इशू है एक्सप्लॉइट करना दूसरों को, आप उसकी मेहनत को नहीं देखते, हमेशा ये होता है ना कि बस मुफ्ते में हमें कोई चीज़ मिल जाए। जैसे आपको काट रही हूँ, लेकिन मैं जैसे एक कार्ड पर बात करना चाहती हूँ, जैसे लोग कहते हैं ये तो एक कागज़ है, ये तो इस तरह ही मिल जाएगा, 20 ऑफ चार्ट, लेकिन किसी को पता नहीं है कि इसको हमने बनाने में कितना हमारा टाइम लगा है, मतलब हमने और अपने काम साइड पे करके इस काम को ज़्यादा प्रेफर किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। एग्जैक्टली, और आर्टिस्ट के बारे में यही एक खूबी होती है कि उन्हें अपने वो जो उन्होंने वो क्रिएट की होती है ना चीज़, उससे बहुत प्यार होती है, तो चाहे कोई भी वो खरीदे उसकी कदर करें, और फिर जितने का आप लोग बेच रहे हो ना, चाहे जो भी प्राइस है, आई एम श्योर कि जितना मेहनत आप लोगों ने लगाया प्राइस फिर भी उसके मतलब इट्स स्टिल इट कैन नेवर बी दैट मच जितना आप लोगों ने मेहनत लगाया। वो बहुत हम्बल और बहुत लविंग होता है, तो वो जो है, तो मैं स्पेशली जब कोई चीज़ क्रिएट करती हूँ तो मैं ये नहीं देखती कि मैं आई एम क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट, आई ऑल्सो थिंक कि मैं जो है तो आई एम क्रिएटिंग अ फीलिंग, आई एम यस, तो दैट इज़ द थिंग कि मैं कहती हूँ कि यार मैं एक फीलिंग क्रिएट कर रही हूँ, मैं एक फीलिंग एम्पार्ट कर रही हूँ, तो वो हम उसमें प्राइस वैसे भी कम कर देते हैं कि हम कहते हैं टू मेक समवन हैप्पी इज़ द बिगेस्ट थिंग, इज़ द बिगेस्ट जॉब एंड इज़ द लकीएस्ट थिंग इफ़ अल्लाह हैज़ गिवन यू सच अपॉर्चुनिटी। सो ये बात होती है कि काफ़ी टाइम हम काफ़ी दफ़ा हम वो भी कर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को इश्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा मैं मुझे लगता है कि प्राइस रिड्यूस करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि उसके पीछे जो मार्केट का मटेरियल होता है, दोज़ आर स्टफ़ जो कि बने हुए होते हैं, जो आपको मिल जाते हैं मार्केट में, आप अपने प्रोडक्ट पे बहुत मेहनत करते हो, तो आई थिंक जो आपके प्रोडक्ट की वर्थ है आपको उसी वर्थ के मुताबिक अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, तो आई डोंट थिंक कि प्रोडक्ट को कम रेट में बेचना इज़ अ गुड, हर एक अपना पर्सपेक्टिव होता है, वक्त के साथ आप सीख जाते हो कि हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं ना वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, और आप जितना आप जितना वो नहीं होता आप दिल अपना वो कमजोर करके रखोगे, और नो मैटर हाउ जेनरस यू आर लोग आपको उतना ही एडवांटेज लेंगे। चैलेंजेस इस हवाले से होते हैं कि आपको यहाँ केपीके में स्पेशली यू हैव टू डेवलप अ माइंडसेट अबाउट दीज थिंग्स, तो दीज आर द चैलेंजेस, फाइट करना बहुत मुश्किल है, दैट इज सो ट्रू, दीज आर द चैलेंजेस वी ऑल हैव टू फेस एंड वी आर फेसिंग एंड वी आर स्टैंड बाय विद इट। एग्जैक्टली, तो इसके साथ हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आएंगे and then we'll continue this conversation. वेलकम बैक एवरीवन। तो ईमान, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि नेल आर्ट, जिसका पेशावर में इतना कॉन्सेप्ट नहीं था फ्यू ईयर्स अगो, और अब आहिस्ता आहिस्ता इट्स गेटिंग इनटू द ट्रेंड, अब लड़कियाँ पसंद कर रही हैं कि अच्छा वी हैव ऑल दोज प्रिटी ब्राइट नेल्स विद ऑल दोज डिफरेंट कलर्स, तो इनिशियली कैसा रिस्पॉन्स था जब आपने स्टार्ट किया, क्या ऑर्डर्स आसानी से आए या नहीं, टुक सम टाइम फॉर यू टू बिल्ड अप योर प्रोफाइल फर्स्ट, हाउ डिड इट गो, टेल मी अबाउट दैट। जस्ट मुझे वन मंथ लगा और फिर मुझे ऑर्डर्स आना शुरू हुए, टाइम मतलब लोगों ने जल्दी पिक कर ली ये चीज़, बट जब स्टार्टिंग में थोड़ा मसला होता था, अब फिर एंड बस लोग ये कहते थे कि आपकी प्राइसेस बहुत हाई है, फॉर मी इट्स वेरी लो, क्योंकि लोग को लगता है इट्स जस्ट अ नेल पॉलिश, बट नो, इस पे जो टाइम लगता है, इसकी एक एक चीज़, इसको लेवल करना, क्योंकि मैं जेल के साथ काम करती हूँ, ये नेल पॉलिश नहीं है, जेल के साथ काम करना और जेल को लेवल करना इट्स हार्ड, और क्योंकि अगर इसको रियूजेबल भी बनाना है, इसका बेस भी आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, और लोग ये चीज़ इतना नहीं गेट करते, और फिर जब गेट कर लेते हैं उसके बाद बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा इवान, मेरे ज़हन में सवाल आया कि अभी आई एम श्योर लॉट ऑफ लेडीज़ आर वाचिंग दिस एंड दोज़ जो कि आपसे ख़रीदना भी चाहेंगी, तो नेल ग्लू आप कौन सा प्रेफर करती हैं कि यूज़ करें, इसको अटैच किस तरह करते हैं नाखूनों को? मैं नेल ग्लू ही प्रेफर करती हूँ, इनके साथ एक नेल स्टिकर्स भी आते हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होती है, और नेल स्टिकर्स जो होती हैं वो नेल ग्लू इनका आता है अपना ही मार्केट में मिल जाता है, बट पेशावर में बहुत कम मिलता है, इसलिए मुझे बहुत हार्ड मतलब ढूंढना पड़ता है। एग्जैक्टली ड्यूरेबिलिटी की जहाँ तक बात होती है, तो हाउ लॉन्ग डू दीज नेल्स लास्ट? दीज आर रियूजेबल बट इफ यू स्टिक विद अ ग्लू तो ये इजीली 2-3 weeks तक लग जाते हैं, मतलब स्टे कर जाते हैं। That's great. That's actually wonderful. So, Noor,
आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि थ्रू आउट दिस जर्नी जस्ट जो अभी भी इट्स यू नो इट्स कंटिन्यूड, आपने क्या सीखा सबसे ज़्यादा, अपने 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 आप में क्या चेंजेस देखी? बस चेंजेस ये देखी कि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा हाई हो गया, जो कि मुझे नहीं था पता थे मेरे, मैं मतलब बहुत शाई पर्सन और मतलब ज़्यादा टॉकटिव नहीं हूँ मैं, तो बस इससे ये था कि लोगों से बातचीत हुई, बहुत से बैकग्राउंड के लोग होते हैं, बहुत से बैकग्राउंड के लोगों से लाइक आपका बातचीत होती है, तो उससे ज़रा ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। दैट इज़ सो ट्रू। आप बताएं आपके लिए किस तरह, हाउ इज़ यू नो दिस बीइंग इंडिपेंडेंट चेंज्ड योर लाइफ यू नो इन जनरल, क्योंकि लाइफ आपकी जब आप पहले डिपेंडेंट होते हो अपनी फैमिली पे, अपने पेरेंट्स पे, अच्छा यू गेट दैट स्ट्रेंथ, हाउ इज़ लाइफ बैक देन और अब किस तरह? मेरा ये था कि मैं स्टार्ट से ही कुछ ना कुछ करती रहती थी क्रिएटिव, आई नेवर लाइक मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ कि मैं जो है तो मुझे कोई चीज़ मार्केट में कहीं अच्छी लगे एंड आई सेड माई फादर के बाबा आप मुझे वो लेकर दें, I always tried upon myself to get that thing independently, right from like I started my university. So ये था कि journey मेरा बड़ा आसानी से जो है तो grow कर रहा है. The reason is कि लोग मेरा art जानते थे department से, मतलब school level से. एक trust भी build हो जाता है. हाँ, तो वो था कि अच्छा है, हमें पसंद है. कि मतलब they used to rely upon me, they used to trust upon me because the thing she creates, like जो सफाई आती है वो चीज़ आती है, तो दिनों के किसी के हाथ में उस तरह से नहीं है, हादिया अहमर विल डू इट इन सच अ परफेक्ट मैनर. सो मुझे मार्केट में मूव करते हुए इतना इश्यू नहीं हुआ क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक जान पहचान थी, मेरे काम की जान पहचान थी. अच्छा. क्योंकि मुझे पहले से काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिलते थे क्योंकि Are you a social person? Yes, I am too much social person. फिर वो ये भी होता है ना कि हम जल्दी फ्रेंड्स बना लेते हैं कि सब जान लेंगे. होता था कि मतलब मैं ब्रांड नहीं पहनती, दैट्स मैं आई डोंट वेयर ब्रांड, आई सी ब्रांड थिंग्स, आई लुक अराउंड द इंस्टा, आई लुक अराउंड. यू क्रिएटेड योर ओन ब्रांड, व्हाई डू यू हैव टू वेयर अनदर ब्रांड? एग्जैक्टली. यस, ये है कि मैं ये कहती हूँ कि आप वुमेन को इतना स्किल्ड होना चाहिए कि वो अपना कुछ क्रिएट कर सकें, मतलब इतनी स्किल्ड होनी चाहिए, नॉट टू बर्डन मैन ऑफ द सोसाइटी फॉर द लाइफ स्टाइल यू आर हैविंग. Woman is like they should be enough skilled. अच्छा हादिया, with this I'm sorry to cut you off. आपने मुझे बताया था that you have a dream to start off a school for women. Yes. इसके बारे में बताएँगे? Yes. मेरा बहुत dream है कि मतलब मुझे ये skill जो है तो मेरी mother से, मेरी grandmother से and different लोगों से. मेरी एक खाला थी, उनके घर हम जाते थे रहने के लिए, तो she used to teach us painting. She used to make incredible paints. लाइक पेंटिंग्स एंड सीनरीज. तो मैं जब भी उनके घर जाती थी तो मेरी उनसे ये वो होती थी कि आप प्लीज़ मुझे ड्रॉ करके दें, मैं पेंट करूँ वो. तो मैंने बड़े डिफरेंट लोगों से अराउंड द ग्लोब जो है तो जा के ये चीज़ें सीखी. तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ जहाँ पे जो है तो बच्चियाँ मेरे पास आएँ, मैं उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ. थोड़ा मेरा भी ये होता है कि फार्मेसी इज़ लाइक टफ प्रोफेशन, आपको जो है तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, आप हर टाइम पेशेंट्स को डील करना चैलेंजिंग हो जाता है. exactly. कुछ एक साथ तो यू नीड समथिंग टू रिलैक्स योर माइंड एंड हैव सम क्वालिटी टाइम. तो आई थिंक इससे बेहतर कोई क्वालिटी टाइम होगा नहीं कि मैं ये रिसाइकलिंग और ये जितनी भी स्किल्स आई डू हैव तो उसको properly utilize करना. Yes, it will be a pleasure to create many more Hadiya and skilled ladies all around the KPK. I think that's a beautiful thought and I wish you best of luck for that, Hadiya. Thank you so much. Zainab, I remember आपने ये mention किया था कि आप एक event planner भी हैं. So you plan events. सबसे बड़ा इवेंट कौन सा प्लान किया था, which was very challenging for you? मैं इवेंट ऑर्गेनाइजिंग जो थी अपने यूनिवर्सिटी टाइम से ही कर रही थी क्योंकि मैं वहाँ पर मेरा एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हमारे यूनिवर्सिटी का है जिसमें मैं काम कर रही थी. तो मैंने बहुत सारे कंपनीज के लिए इवेंट्स किए हैं प्रॉपर, वो भी मेरे लिए बहुत बड़े इवेंट्स थे. बिसाइड दिस मैंने अभी रिसेंटली एक बर्थडे की थी फॉर अ वेरी वन ईयर बेबी, तो दैट वॉज अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर मी क्योंकि वो उनके लिए वो फर्स्ट बर्थडे जो होती है वो बहुत स्पेशल होती है एज कम्पेयर टू द अदर बर्थडेज. तो वो भी दैट वॉज अ वेरी स्पेशल. अच्छा, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में मैंने ये सुना है कि एट टाइम्स जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके डिमांड्स को पूरा करना, क्योंकि उनके माइंड में देयर इज अ डिफरेंट पिक्चर, इन योर माइंड द पिक्चर माइट बी डिफरेंट. तो फिर मीटिंग दैट, हाउ डू यू मैनेज दैट? व्हाट आई डू इज कि मैं अपने कस्टमर्स को पहले बता देती हूँ कि उनको किस टाइप का सेटअप चाहिए, तो वो मुझे एक प्रॉपर मतलब सैम्पल पिक्चर भेज देते हैं जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि उनको क्या क्या चीज़ चाहिए. तो जो विद टाइम जो हो रहा हो
होता है कनेक्ट विद देम ऑन व्हाट्सएप, तो वो मुझे जो छोटे छोटे काम हो रहे थे वो उनको मैं व्हाट्सएप पे दिखा रही होती हूँ कि अच्छा ये हो गया है, इज़ इट फाइन, ये बैकड्रॉप है, इज़ इट फाइन, तो वो उनको पता चल रहा होता है कि अच्छा सब कुछ एक प्रॉपर उसमें चल रहा है, फ्लो में चल रहा है. तो जब तक इवेंट आता है तो दे आर प्रॉपरली सैटिस्फाइड फ्रॉम माय वर्क. फॉर इंस्टेंस समवन वांट्स टू कॉन्टैक्ट यू, किसी ने अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, तो क्या आप ये प्रेफर करती हैं कि लोग अपना बजट बताएं और आप उस बजट के मुताबिक प्लानिंग करें, और या आप उनके नीड्स और उनके डिमांड्स के मुताबिक आप एक प्रॉपर प्राइस रेंज बता देती हैं कि अच्छा इतना खर्चा होगा या आई एम गोना चार्ज दिस मच? अच्छा, बोथ वर्क्स. मतलब मैं क्या करती हूँ कि नॉर्मली व्हाट डू यू प्रेफर, मैं प्रेफर करती हूँ कि पहले वो मुझे अपना बजट बता दें, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाता है कि मुझे क्या क्या उनको अरेंज करके देना पड़ता है एक इवेंट में. लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि उनके बजट पे भी. अब अगर आपको 5-6,000 दे दें तो 5-6,000 इज़ अ वेरी स्मॉल बजट आई थिंक. इट्स वेरी स्मॉल क्योंकि उसमें बहुत ट्रांसपोर्ट का होता है, यू हैव टू अरेंज द बैकड्रॉप एंड एवरीथिंग. तो इस टाइप ऑफ बजट में देन यू कैन नॉट वर्क. तो समझते भी नहीं है कि मतलब वो बजट जो बता रहे हैं और डिमांड उनकी बहुत हाई होती है. तो मतलब हम कुछ नहीं कर सकते ना, हम उन्हें बता तो देते हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं ये तो हो जाएगा इसमें, कैसे हो जाएगा भाई? आपकी एवरेज प्राइसेस क्या है? फॉर इंस्टेंस आप ये बॉटल अगर बेचती हैं तो 800-500 इस तरह. आई थिंक इट्स प्रीटी रीजनेबल. इट्स गुड इनफ फॉर द हार्ड वर्क, फॉर ऑल द मटेरियल दैट यू हैव यूज्ड. ईमान आप बताएं अपनी प्राइसेस का. फॉर इंस्टेंस आप एक नेल सेट बेच रही हैं, डज इट डिपेंड ऑन द मटेरियल दैट यू हैव यूज्ड या हर एक को आपने एक ही स्पेसिफिक प्राइस? नो, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल आई यूज, द कलर, एंड आई चार्ज मोर ऑफ माय आर्ट. मतलब जो मैं काम करती हूँ, जो मैं आर्ट करती हूँ, ये क्रिस्टल्स से अलग जो मैंने यहाँ पर आर्ट किया है तो इसका मैं ज़्यादा चार्ज करूँगी. और अगर मैं ये नेल सेट करूँगी तो ये 1800 रुपीज़, जो कि मेरे लिए अभी भी रीज़नेबल है, बट इट्स ओके फॉर टू मेक समवन हैप्पी. एग्जैक्टली, दैट्स सो स्वीट. तो आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा फीमेल्स में मतलब कौन प्रेफर कर रहा है? आइदर गर्ल्स हु आर गेटिंग मैरिड, दुल्हनों के लिए, डू यू मेक इट फॉर ब्राइड्स एज़ वेल? Yes, I made it. This one is for a bride, for a barat bride. उन्होंने मुझे कहा कि मेरा सिल्वर एंड मरून में जा रहा है ड्रेस, तो आप मेरे लिए एक पैर से और डिसेंट से नेल्स बना दें. तो I made it for her करना. और different अब बर्थडे पार्टीज पे अब पीछे आपके हमारे पास एक पिंक है जो कि किसी की 20th बर्थडे पार्टी के लिए मैंने बनाए हैं, क्योंकि वो वेयर करना चाहते हैं. और इसके थ्रू एक मैसेज भी आप दे सकते हो. मैं अपने नेल्स के थ्रू बहुत डिफरेंट मैसेजेस भी देती हूँ. अगर किसी को बर्थडे विश करनी हो, या फिर हैंग दी रेपेस्ट वाला हमने किया था तो उस पर भी मैंने नेल्स के थ्रू अपना मैसेज कन्वे किया था. दैट इज अमेजिंग. तो आप लोग के 2021 इस साल के क्या प्लान्स हैं? Plans, diversity. There is diversity of plans. I know. It could be huge. Anything. Let's talk about New Year's resolutions. कुछ होगा ज़हन में कि हमने इस साल क्या करना है? मैं अपना YouTube channel Accessories को launch करूँगी. साथ में मैं being pharmacist, क्योंकि ये है कि that thing really hit me कि आपको parents ने इसलिए brought up नहीं किया कि आप जो है 30,000 की नौकरी करें. मैं थोड़े दिन पहले वो मेम पढ़ी थी और देन दैट रियली हिट मी हार्ड. तो आई वॉन्ट टू लॉन्च समथिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, स्किन केयर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड हेयर केयर, लाइक क्योंकि नॉलेज है और क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर हैं, भाई भी. अच्छा. तो दे आर लाइक होम्योपैथिक फिजिशियंस बोथ ऑफ देम. माई ब्रदर इज़ लाइक स्टडिंग राइट नाउ. तो आई हैड अ गुड फैमिली बैकअप ऑफ दीज थिंग्स. तो इंशाल्लाह वो लॉन्च करने का इरादा है, हायर स्टडीज़ के लिए करने का इरादा है, बिकॉज that's a blessing that I am a born teacher, so I want to be a good teacher in medical sciences as well. So these are all plans about the 2021. That's great. Thank you. और मेरे ये प्लान्स हैं कि ये जो बिजनेस है मैं इसको और आगे तक देखना चाहती हूँ. अच्छा, एग्जैक्टली. और बस ये है कि अपनी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाएँ, तो उसके बाद फोकस ये है कि बिजनेस को थोड़ा टाइम दिया जाए और इस्टेब्लिश किया जाए, औरों के लिए और आसान किया जाए, मतलब औरों को स्किल इम्पार्ट किया जाए इसको जो है. तो मतलब प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना, सही और चीज़ें मतलब लॉन्च करना, लाइक उनको और ब्यूटीफुल बनाना और कैची बनाना. 2021
आप लोग बताएं। मेरा तो ये है कि राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन माय वेबसाइट, तो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू लॉन्च अ प्रॉपर वेबसाइट फॉर इट। और दूसरा मेरा ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे मैं काम कर रही हूँ जो कि मैं इंशाल्लाह न्यू ईयर में ही शो इट ऑन माय पेज में फिर अपलोड करूँगी। बिसाइड दिस मेरे वर्कशॉप्स भी होते हैं, तो अगर कोई लाइक फॉर एग्जांपल समवन वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस तो उनके प्रॉपर वर्कशॉप्स से मैं अरेंज करती हूँ। आप खुद कंडक्ट करती हैं? जी मैं भी खुद कंडक्ट करती हूँ। अभी तो आई हैव डन ओनली वन वर्कशॉप, लेकिन इंशाल्लाह फिर जब आई एम थिंकिंग कि न्यू ईयर में फिर बेसिकली वर्कशॉप में क्या स्किल्स जो मेरे स्किल्स हैं मैं वही पास करके लोगों को सिखाना चाहती हूँ। मतलब समवन इज इंटरेस्टेड ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई पेशावर की लड़की है जो कि शी वॉन्ट्स टू नो कि बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, जो कि बिजनेस के टैक्टिक्स होते हैं वो सब मैं अपने एक Imparting. So you were there, आपने इनके workshop में मेरे इनके क्योंकि इनके products बहुत catchy होते हैं, तो I was like Zainab ये आप कहाँ से material वगैरह ये आप कहाँ से वो करती थी? She has guided me so good manner कि मैं अपने workshop से proper बना के उनको सिखाती हूँ। एक तो होता है those workshops जो कि आप बोल रहे होते हैं, ये मेरे वाले में exactly step by step में सिखा रही होती हूँ, तो उससे बहुत कुछ लोग सीख भी जाते हैं। तो इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में मैं करूँगी workshops। That is great. I think it's much needed. Yes. मैं भी अपने बिजनेस को ग्रो करूंगी और मैं सबसे ज़्यादा काइंडनेस को प्रमोट करना चाहती हूँ, और नीयत साफ हो तो मंजिलें आसान होती हैं। मैं ये बात बताना चाहती हूँ अपने और क्राफ्टर्स को भी, जैसे ये लोग टीचिंग करना चाहते हैं तो हमें भी लाइक हमें कायनात ने गाइड किया, और मेरे साथ ऐसा कोई नहीं था जो मुझे नेल आर्ट के लिए गाइड करता, तो मैं अब सेशंस करूँगी इंशाल्लाह ऑनलाइन। मैं सबको गाइड करूँगी क्योंकि लड़कियाँ आती हैं आप ये कैसे करती हैं, तो मैं इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशंस लूँगी। दैट्स ग्रेट टू सी। दूसरा ये भी होता है ना कि आप लोग के फॉलोअर्स बेस बन दी जा रही है, यू हैव योर ओन फॉलोअर्स, और आप लोग के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वट एवर यू पुट ऑन सोशल मीडिया वो आप लोग या तो सिखा रहे हो या आपसे कोई सीख रहा है, कुछ देख रहा है, एक्जैक्टली आप इंस्पायर कर रहे होते हो। डू पीपल जस्ट यूज इट के मतलब कभी होता है ना कि कुछ नया कोई और की सोशल इशू पे बात कर ली, कुछ इस तरह होता है कि आप लोग अपने प्लेटफॉर्म्स को और रीजंस के लिए भी यूज़ करो किसी को सपोर्ट करने के लिए? रिसेंटली अभी एक था, देयर इज एन एनजीओ इन टाउन, तो वो क्या करते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो गरीब बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं सकते, तो वो उनको प्रॉपर स्पॉन्सरशिप्स देते हैं। मतलब यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट, तो आप उस बच्चे को स्पॉन्सर कर लेते हैं, स्कूलिंग्स करवाते हैं। तो मैंने वो एक अभी रिसेंटली प्रमोट किया था, तो एक आई स्पॉन्सर्ड अ किड उसमें खुद भी, लेकिन ये है कि आई थिंक अगर मैं उसे अपने क्योंकि मेरे से 5,000 to 6,000 फॉलोअर्स हैं, तो जितना लोगों को पता चलता है उतना लोग स्पॉन्सर करते हैं। बिल्कुल, तो मतलब whoever is watching this unke liye bhi ek lesson hai ki even if you're having you're using your social media platforms for your businesses personally, not only just for that, aapke jitne bhi followers hain aap log aur bhi purposes ke liye istemal kar sakte ho, kyunki aapki ek base ban jati hai, ek platform sa ban jata hai jiske through aap apni awaaz pahuncha sakte ho to all those people who are watching you, to all those people who are especially especially of course. तो I always say this कि if you have the opportunity, अगर आपके पास आपको इतने आपके पास resources हैं, अल्लाह ने आपको इतने blessings दी हुई हैं कि आपके पास internet facilities हैं, आपके पास ये facilities हैं कि आप लोग इतना कुछ कर रहे हैं, तो उसको properly इस्तेमाल करें to raise awareness regarding all the social issues. That is the big thing. That is the like that's our more duty and responsibility. And because we belong from KPK, तो यहाँ पर तो बहुत सारी females ऐसी चीजें face कर रही हैं जो कि हम जैसे normal लड़कियों को पता कभी नहीं चलता है. That is so for yes, that's one best way कि हम भी वो promote करें. Thank you so much. Thank you Zainab. Thank you Iman. Thank you Hadia and Noor. I'm glad मैंने नाम अब ठीक लिए हैं पहली बार, तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे बातचीत करके. थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम. आई विश हमारे पास और टाइम होता, क्योंकि आई एम श्योर जितने भी व्यूअर्स हैं वो लोग इन्जॉय कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर दे वॉन्ट टू गेट टू नो यू पीपल मोर इन अ मच बेटर वे, टू गेट टू नो अबाउट योर बिजनेसेस मोर. तो आप लोग इनको इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ कोई चीज़ ऑर्डर करनी हो, अगर कुछ सीखना हो. दे वेरी सपोर्टिव, दे वेरी इनकरेजिंग. तो इसके साथ जो है मैं आप सबको अगेन आई लाइक टू विश हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल. आई होप आप लोग का यह साल बहुत अच्छे से गुजरे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अगले हफ्ते मिलते हैं. खुदा हाफिज़.